सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और ITBP में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए हमने पहले इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट जो आया था उसका वीडियो बनाया था, अब इसकी फुल डिटेल हम आपके लिए लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पोस्ट है, ये पहली है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की ग्रुप सी में, वहीं दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन की ग्रुप सी में। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट की और एंड होने की, तो 27 अगस्त 2018 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं और लास्ट डेट है 25 सितंबर 2018। बात करें अगर हम पे स्केल की, तो पे लेवल 5 में होगी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 29,200 रुपये से लेके 92,300 वाले ग्रेड में है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। इसके अलावा जो अदर अलाउंस आपको मिलेंगे, वो आपका DA होगा, राशन मनी अलाउंस होगा, वॉशिंग अलाउंस होगा, इसके अलावा HRA होगा, जो भी आपको टाइम टू टाइम एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की 10 वैकेंसी आई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 है सामान्य की, 2 है SC की, 1 ST की, 2 है OBC की, टोटल वैकेंसी है 10। वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन ग्रुप सी के लिए 5 वैकेंसी आई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी 3 SC की है, 2 है ST की, टोटल वैकेंसी है 5। और ये जो वैकेंसी है, ये बैकलॉग की वैकेंसी इसमें शामिल है, साथ ही ये वैकेंसी बाद में घट और बढ़ भी सकती है। इन वैकेंसी में से 10% रिजर्वेशन एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो इन दोनों वैकेंसी के लिए आपकी एज ऊंची है 20 से लेकर 28 ईयर्स, और ये दोनों वैकेंसी के लिए एज है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 25 सितंबर 2018 को काउंट की जाएगी। ASI फार्मासिस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, साथ ही आपने 12वीं पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। मैथमेटिक्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं PCM वाले, वो एलिजिबल नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपने 12th पास किया हो और आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत। साथ ही जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें 20 से लेकर 28 साल एज है, हम बता चुके हैं आपको। इसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए MLT में, यानी DMLT आप होने चाहिए, और 12वीं आपने पास कर रखी हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। यहाँ भी PCM वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन के रूप में किसी मेडिकल सेटअप में। बात करें हम कट ऑफ डेट की, जो कि एज और रिलैक्सेशन के लिए होगी, तो वो होगी 25 सितंबर 2018, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है, और 20 से लेकर 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन नए पर रूल दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, तो 5 साल का दिया जाएगा SC ST को, 3 साल का दिया जाएगा OBC को, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का दिया जाएगा उनकी कैटेगरी के अनुसार, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मेल कैंडिडेट जो कि ST के हैं, उनके लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 79.77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुला के। वेट जो है वो सभी कैंडिडेट्स का हाइट के अनुरूप ही होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इसके अलावा जो कैंडिडेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है 165 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। बाकी भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए है 170 सेंटीमीटर हाइट और 80 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए, 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। और बात कर लेते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 150 सेंटीमीटर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों। चेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वजन जो है उनका उनकी हाइट और एज के अनुरूप होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आई साइट को अगर हम देखें, तो बेटर आई होनी चाहिए आपकी N6 और वर्स आई होनी चाहिए N9। वहीं डिस्टेंट विजन जो है वो आपकी होनी चाहिए 6x6 बेटर आई और 6x9 वर्स आई। साथ ही हम आपको बता दें विजुअल करेक्शन किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा। जो आपका कलर विजन टेस्ट होगा वो आपका होगा इशारा पर CP3 में। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि जो राइट हैंडेड पर्सन है, यानी जो सीधे हाथ वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए सीधी आंख उनकी सही होनी चाहिए, और जो बाएं हाथ वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी बाएं आंख यानी लेफ्ट आई सही होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स का बाइनोकुलर विजन होना चाहिए। कुछ और हम आपको अयोग्यता बता देते हैं, जैसे आपकी नोक नी नहीं हो, फ्लैट फुट नहीं हो, वेरिकोज वीन्स नहीं हो यानी नीली नसें न उभरी हो, और स्क्विंटिन आईज न हो यानी भेंगापन नहीं हो। आपकी मेंटल और बॉडीली हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, साथ ही कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अब टैटूज की, तो टैटू सामान्यतः अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हाथों पर होते हैं और जो 1x4 से ज्यादा न हो पर्टिकुलर पार्ट पर, एल्बो या हैंड पर, वो अलाउ किए जाएंगे, लेकिन इस संबंध में कंप्यूटर अथॉरिटी का ऑर्डर ही मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करने हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन है, और जो कैंडिडेट्स सभी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, योग्यता पूरी करते हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के लिए रिटर्न टेस्ट होना है वो सेम डे होगा, सेम टाइम पर होगा,
इसलिए कैंडिडेट्स किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए है 100 रुपये और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स और एक्सेसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है। फीस का भी पेमेंट है वो ऑनलाइन होना है और वेबसाइट है www.recruitment.itbpolice.nic.in, जहां से आप फॉर्म भरेंगे वहीं आप पे करेंगे। और जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा जब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट्स एनओसी नहीं लाएंगे उनका कैंडिडेशन नष्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू होगा, लेकिन उससे पहले आपका पीईटी पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कैंडिडेट्स को जब एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे तो उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन उनके सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस जो कि लैब टेक्नीशियन के लिए मांगा गया है वो भी आपका होना चाहिए, और कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, यानी आपकी वेरिफिकेशन के लिए कोई पुख्ता सबूत आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड सबसे ज्यादा मान्य चल रहा है आजकल। इसके अलावा अगर एक्सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो सबमिट किया था उस जैसा ही हो। इन सब के अलावा कैंडिडेट्स जिस कैटेगरी के लिए क्लेम कर रहे हैं उस कैटेगरी से संबंधित भी उनके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, आपकी नापतौल होगी, और नापतौल के बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनको पीटी के लिए बुलाया जाएगा। पीटी जो होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस होगी जो कि आपको 7 मिनट में क्वालिफाई करनी है, 7 मिनट 3 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगी जो कि 11 फीट की होगी और 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप की आपकी होगी 3.5 फीट की, उसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रेस होगी जो कि आपको 4 मिनट 4 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप होगी आपकी 9 फीट की और हाई जंप होगी आपकी 3 फीट की। और पीटी पीएसटी के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड होगा आपका रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट जो होगा 1.5 आवर का होगा यानी 90 मिनट का होगा। इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके और ये ओएमआर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसको आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना होगा, या फिर आईटीबी पे अगर चाहे तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी करा सकती है। जो क्वेश्चन पेपर का माध्यम है वो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश, और जो कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एक्वायर करेंगे रिटन टेस्ट में उनको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मार्क बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर बनेगी। साथ ही जब आप एग्जाम देने आए तो आप अपना रोल नंबर, नाम, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, क्वेश्चन पेपर सीरीज नंबर ये ओएमआर शीट में साफ साफ भरेंगे, क्योंकि अगर ये गलत होता है तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी और इस संबंध में कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 35% है जनरल और एक्सर्विसमैन के लिए और 33% है एससी एसटी ओबीसी के लिए। और जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये 50 अंकों का होगा प्रत्येक पोस्ट के लिए, और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने होंगे, उसके बाद ही आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% जनरल और एक्सेसमेंट के लिए, एस एस टी ओबीसी के लिए 33%। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स और प्रैक्टिकल टेस्ट के मार्क्स के बेस पर बनेगी। और जो कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्ट किए जाएंगे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पर उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और जो कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल होते हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा वो अगर चाहें तो रीमेडिकल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो भी कर लीजिए। धन्यवाद।